Good morning, students. Today we will read a new poem, Ode to the West Wind. The Ode to the West Wind is written by P.B. Shelley. And here we need to know something about P.B. Shelley before reading the poem. So P.B. Shelley was born in 1792 and died in 1820. He was born in 1792 and died in 1822. So, he is regarded as the finest and one among the greatest lyric writer and a philosopher. He was poet, he was dramatist also, he wrote some essays also, and a novelist. Probably he was not a novelist, but his wife, Mary Shelley, wrote a work, a novel, that is फ्रैंकनस्टाइन. ठीक है, तो फ्रैंकनस्टाइन नाम का एक गोथिक नोवेल था जो कि मेरी शैली के द्वारा लिखा गया था. वो पी बी शैली की वाइफ थी. ठीक है, तो ही इज़ वन अमॉन्ग द लेटर रोमांटिक राइटर्स. ठीक है, तो लेटर रोमांटिक राइटर्स में हम शामिल करेंगे पी बी शैली को और अपने लॉर्ड बायरन को, जॉन कीट्स को, और हम शामिल करेंगे लाई हंट को. ठीक है, और चाहे तो हम इनकी पत्नी को भी शामिल कर सकते हैं. ठीक है, तो इन्होंने कुछ अच्छे अच्छे और क्लासिकल वर्क लिखे थे, जिनमें हम लिख सकते हैं ओज़िमंडियास, टू ए स्काईलार्क, द क्लाउड, द मास्क ऑफ एनार्की, क्वीन मॉब, और बाद में इसको नाम दिया गया था डेमन ऑफ द वर्ल्ड, एल स्टार, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, एडोराइज, इट वॉज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, एंड उन्होंने लिखा था प्रोमेथियस अनबाउंड भी लिखा था, और हेलास लिखा था, और उन्होंने एक द ट्राइम्प ऑफ लाइफ भी लिखा था, दैट इज स्टिल अनफिनिश्ड, इट वॉज रिटन इन 1822 बट ही कुडंट कम्प्लीट एंड देन ही पास्ड अवे. ही रोट ए वर्स ड्रामा ऑल्सो, दैट इज चंची, इट इज स्पेल्ड एज CENCI. ओके, सो this was a little and a small background about P.B. Shelley. Now here we are going, chalo padhte hain kavita. O wild west wind, thou breath of autumn's being. o ka matlab yahan address se hai, ki wo kisi ko address kar raha hai, ye hawa ko address keh raha hai ki o wild west wind, paschim se chalne wali hawa, thou breath of autumn being, you are the breath of autumn being, tum autumn ki kya ho, breath ho, thou, you are, from whose unseen presence, tumhari unseen presence se, dekho unseen ka matlab hai na dekha jane wala, ya fir jo dikhne ke layak nahi ho, ya fir hum isko dekh nahi sakte, presence upasthit hai lekin hum dekh nahi sakte, to yahan kiska prayog kiya gaya hai, oxymoron ka prayog kiya gaya, oxymoron wahan hota hai jahan kya kiya jata hai, do विरोधाभासी शब्दों का प्रयोग किया जाता है. द लीव्स डेड, सो पत्तियां मर गई हैं, आर ड्राइवन लाइक घोस्ट, ये जो पत्तियां हैं वो ले जाई जाती हैं, लाइक घोस्ट, ठीक है, जैसे कि घोस्ट चले जाते हैं, फ्रॉम एन एनचेंटर फ्लिंग. एनचेंटर के आने की वजह से क्या होता है, एनचेंटर का मतलब होता है यहाँ जो वसीकरण करते हैं, जो भूत प्रेत निकालते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कोई जादूगर भी कह सकते हैं. ठीक है, तो किसी भूत प्रेत निकालने वाले, वशीकरण करने वाले की उपस्थिति से क्या करते हैं, भूत भाग जाते हैं. उसी तरह से तुम्हारी प्रेजेंस से ये जो पत्तियां हैं वो, डेड लीव्स आर ड्राइवन अवे, ये जो पत्तियां हैं वो दूर ले जाई जाती हैं, मतलब पतझड़ में जो पत्तियां गिरती हैं तुम उनको क्या करती हो, दूर लेके चली जाती हो. येलो ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड, ठीक है,
येलो है, ये पत्तियाँ कैसी हो सकती हैं, येलो हो सकती हैं, ब्लैक हो सकती हैं, पेल हो सकती हैं, और हेक्टिक रेड, और भागदौड़ भरी जिंदगी में जिस तरह से आदमी हो जाता है वैसे लाल भी हैं। पेस्टिलेंस स्ट्राइकन, या फिर किसी महामारी से पीड़ित लोगों की तरह, मल्टीट्यूड्स का मतलब होता है बड़ी संख्या में, ओदाओ ये क्या है, बहुत बड़ी संख्या में होती हैं, एंड कैसी होती हैं, लाल होती हैं, ब्लैक हो सकती हैं, पेल हो सकती हैं, हेक्टिक रेड हो सकती हैं, एंड दे दाऊ ओ दाऊ वू चेरियोटेस्ट टू देयर डार्क विंट्री बेड, और तुम इनको क्या करती हो, इनको जमीन के अंदर दफना देती हो। विंट्री का मतलब होता है, विंटरी बेड का मतलब होता है जहाँ तुम विंटर के समय में इनको सुला देती हो, मतलब कि विंटर के समय तक क्या करेंगी, ये जमीन के अंदर सोई रहेंगी। तो ये बेड, बेड क्या है, बेड किसके लिए प्रयोग किया गया है, पृथ्वी के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पृथ्वी के लिए बेड क्या है, एक मेटाफर की तरह प्रयोग किया गया है। द विंग्ड सीड्स, सीड्स हैं वो कैसे हैं, विंग्ड हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बीज होते हैं उनके चारों तरफ फर से लगे हुए होते हैं, ठीक है, फर, ठीक है, गूदेदार या फिर रोएदार ऐसी चीज़ें होती हैं, उनसे वो क्या होती हैं, हवा के साथ में उड़ के चले जाते हैं कहीं दूसरी जगह, ताकि दूसरी जगह जाके वो कहीं ज़मीन में दब जाएं और जब बरसात होगी तो वो फूट के अंकुरित होकर बाहर निकल के आ जाएंगे। वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, और तुम क्या करती हो, इन बीजों को ले जाती हो और कहीं ज़मीन के अंदर दफन कर देती हो, और वो क्या करते हैं, दे लाई, वो सोए पड़े रहते हैं। तो सोने की क्रिया किसमें होती है, सॉरी छोड़ो इसको, ठीक है, दे लाई कोल्ड एंड लो, वो जमीन में नीचे पड़े रहते हैं, शांत और नीचे की तरफ पड़े रहते हैं। लाइक ए कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव, लाइक ए क्रॉप्स विद इन इट्स ग्रेव, क्या करते हैं, ये एक शव की तरह है, एक लाश की तरह है, जो कि क्या करती है, ग्रेव के अंदर पड़ी रहती है। उस तरह से क्या है, तुम भी जमीन, ये बीज भी जमीन के अंदर क्या करते रहते हैं, पड़े रहते हैं। अनटिल, जब तक, दाइन अजूर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शेल ब्लो, जब तक, अजूर का मतलब वैसे तो थोड़ा थोड़ा नीला होता है, ठीक है, तो जब आसमान हल्का हल्का नीला हो जाता है, वो स्प्रिंग में ये इसकी हवा बहती है, स्प्रिंग की जो हवा बहती है, तो क्या होता है, ये सारे के सारे, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत, तो बसंत में जब हवा चलती है तो ये सारे के सारे फूल क्या करते हैं, खिल जाते हैं, ठीक है। तो देखो इन तीन स्टेंजा में ये कह रहा है, तो पहले स्टेंजा की बात करें हम, देखो थोड़ा सा हम कुछ छोड़ दिए, मैं भी ध्यान नहीं दिया उस समय, ठीक है। तो वाइल्ड वेस्ट विंड, जहाँ किसी शब्द का बार बार रिपीटेशन होता है, तो वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, एलिट्रेशन का प्रयोग किया जाता है, या फिर उसको उसमें किसका प्रयोग किया हुआ होता है, एलिट्रेशन का प्रयोग किया हुआ होता है, ठीक है। लाइक घोस्ट्स, तो घोस्ट की तुलना किससे करी है, भूतों से करी है, तो यहाँ भी किसका प्रयोग किया गया है, मेटाफर सिमिली का प्रयोग किया गया है। तो ऊपर वाली पहले जो स्टेंजा है उसमें उसने एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया है, उसने एलिट्रेशन का प्रयोग किया है, उसने सिमिली का प्रयोग किया है, और साथ साथ किसका प्रयोग किया है, ऑक्सीमोरन का प्रयोग भी किया है। इसके साथ साथ तीसरे लाइन में हम देखें तो इज लाइक ए क्रॉप्स, तो ये जो बीज हैं उनकी तुलना किससे करी गई है, क्रॉप्स से करी गई है, सब से करी गई है। चलो नीचे वाला देखते हैं, हर क्लेरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ। देखो बड़ी खूबसूरत कविता लिखते हैं हमारे शैली साहब, ठीक है। हर क्लेरियन किसका, स्प्रिंग का क्लेरियन, या फिर अजूर सिस्टर का क्लेरियन, क्लेरियन का मतलब होता है पुपाड़ी, ठीक है, जो युद्ध के समय में बजाया जाता है, जब युद्ध शुरू हो जाता है तब, तो हर क्लेरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ एंड फिल ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लोक टू फील इन एयर। जब ये हवा चलती है, स्प्रिंग में जब ये हवा चलती है, तो क्या करते हैं, ड्रीमिंग अर्थ, अर्थ क्या कर रही है,
ख्वाब देख रही है, मतलब कि ये जो जमीन है वो सो रही होती है, चुपचाप सो रही होती है। तो अब देखो, ड्रीमिंग करने की क्षमता किसमें पाई जाती है? आदमी में पाई जाती है, जानवरों में पाई जाती है, या फिर जमीन में पाई जाती है? नहीं, आदमियों में पाई जाती है। ठीक है, तो आदमी क्या करता है? ड्रीम करता है। तो आदमी की तुलना किसी निर्जीव चीज से करी जाए, या फिर आदमी की जो क्वालिटी है वो किसी दूसरी चीज के साथ में कंपेयर, मतलब किसी के दूसरे के साथ में अप्लाई करी जाए, तो उसमें उसको हम क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, क्या करते हैं उसको? पर्सोनिफिकेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि डांसिंग फ्लावर्स। अब फ्लावर में डांस करने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन उसका मूवमेंट कैसा है, जैसे कि इंसान डांस करता है, उसी तरह से क्या होता है, फ्लावर भी क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है, पृथ्वी क्या कर रही है? ड्रीम कर रही है। तो यहाँ किसका प्रयोग किया गया है? पर्सोनिफिकेशन का। हर क्लेरियन, उसका क्लेरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, जब वो चलती है हवा, तो ऐसा लगता है जैसे कि क्या है, क्लेरियन बजा है ओवर ड्रीमिंग अर्थ, और उस जमीन को क्या करता है, उस सोई हुई जमीन को क्या करता है, उठा देता है। एंड फिल इन कोष्टक में देखो, ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर, और वो जो वेस्ट विंड उन बीजों को जमीन के अंदर दफना के गई थी, दबा के गई थी, अब वो क्या करते हैं, ये जो बीज हैं वो क्या करते हैं, हवा में बड के रूप में क्या करते हैं, खिलना शुरू कर देते हैं। तो यहां फिर देख, लाइक फ्लॉक्स, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड। ठीक है, ये झुंड में क्या करते हैं, हवा में खिलते हैं। विथ लिविंग ह्यूज एंड ओड्यूर्स प्लेन एंड हिल्स, और ये ओड्यूर्स ह्यूज एंड ओड्यूर्स प्लेन एंड हिल, पहाड़ियों में समतल मैदानों में ये क्या कर देते हैं, खुशबू फैला देते हैं। जब ये फल, ये जो बीज बाहर निकल के आते हैं और फूलों के रूप में और कलियों के रूप में खिलते हैं, तो ये पूरी पृथ्वी को, जो कि क्या है, पहाड़ है, मैदान है, उन सारी चीज़ों को क्या कर देते हैं, खिला देते हैं, या फिर उसमें खुशबू से महका देते हैं। वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, तुम क्या हो, वाइल्ड स्पिरिट हो, विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, जो कि क्या है, हर जगह मूव करती है, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, ओ हियर हियर ओ हियर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, देखो किस लाइन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि तुम क्या हो, प्रिजर्वर हो और डिस्ट्रॉयर हो। प्रिजर्वर का मतलब देखो इसमें क्या है, पहले क्या कर रहे हो, तुम प्रिजर्व कर रही हो, किसको, बीजों को तुम प्रिजर्व कर रही हो जमीन के अंदर। एंड डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर का मतलब है जो पत्तियां मर चुकी हैं पेड़ पौधों पे, उन पत्तियों को तुम क्या कर रही हो, अब जमीन में दफना रही हो, तुम क्या हो, डिस्ट्रॉयर भी हो। ठीक है, तो जिस तरह से अपने शिवा के बारे में माना जाता है कि ही इज बोथ प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर, ओ हियर ओ हियर, तो सुनो, तुम सुनो।